दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सोशल एड वर्ल्ड में किस तरह हमको ज्वाइनिंग लेना है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे सोशल एड वर्ल्ड। सोशल एडवर्ड सर्च करने के बाद वेलकम टू सोशल एडवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको तीन तरह के बॉक्स दिख रहे होंगे, लॉगिन, ज्वाइनर्स और सोशल ऐप। तो बीच वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है ज्वाइनर्स पे। ज्वाइनर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइनर्स फॉर इंडियन, ज्वाइनर्स फॉर अदर। तो ज्वाइनर्स फॉर इंडियन पे क्लिक करना है। ये ऐड खुल गया, इसे हम क्लोज कर देंगे। ज्वाइनर्स फॉर इंडियन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें थोड़ा सा नीचे आपको जाना है तो ये फॉर्म आपको दिख जाएगा। ऊपर सबसे ऊपर आपको फॉर्म में सबसे ऊपर आपको स्पॉन्सर आईडी दिख रही होगी। स्पॉन्सर आईडी में आप में मेरा मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो स्क्रीन के बगल में आपको दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं स्पॉन्सर आईडी और इसका लिंक दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं या डायरेक्ट खोल के स्पॉन्सर आईडी फिल कर सकते हैं। और अगर खुद आप ज्वाइन होंगे तो ये स्पॉन्सर आईडी भरिएगा। अगर आप किसी और को ज्वाइन कराएंगे तो आप वो अपना वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे स्पॉन्सर आईडी में जो आप सोशल एड वर्ल्ड में दिया है आपने। उसके बाद स्पॉन्सर आईडी फिल करने के बाद उसके नीचे आपकी सारी डिटेल रहेगी। अगर आप किसी और को ज्वाइन करा रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल आप यहां फिल करेंगे। एक एक करके सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप सब अपनी सारी डिटेल सही भरिएगा। ईमेल आईडी पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी सही पड़े। और यहाँ पे आपको पासवर्ड में कम से कम 6 अंक, अधिक से अधिक 8 अंक भरने हैं। उससे कम या ज़्यादा भरने पे पासवर्ड नहीं लेगा आपका, बार बार एरर हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें बताया गया आप फॉर्म भर लेंगे, मेल या फीमेल पे क्लिक कर देंगे जो भी आप हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जहाँ 2018 दिख रहा है, 2018 पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरे सन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपका जो सन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे करने पे महीना महीना का सिलेक्ट होगा। किसी में साइड में दिया होता है, साइड में करने पे ऊपर एरो दिया होता है, उस पर क्लिक करके आप दूसरा महीना ला सकते हैं। आपका जो महीना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप सेट पे क्लिक कर देंगे। नीचे आपको सेट दिख रहा होगा, SET।
उसके बाद आप नीचे सिटी का नाम आप इंटर करेंगे, अपनी सिटी का नाम, अपने शहर का नाम इंटर कर देंगे। मैं यहाँ अपने शहर का नाम इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करते ही यही पेज दोबारा से खुल के आ जाएगा। ये देखिए वही पेज दोबारा से खुल के आ गया। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कुछ गलत तो नहीं भरा है, सब चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा, योर यूज़र आईडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यानी आपकी आईडी बन गई है सोशल एड वर्ल्ड में। ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ सर्च होगा, सर्च होने के बाद ये आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे जाना है। नीचे यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको सोशल एड वर्ल्ड, उसके नीचे रेड कलर के बॉक्स में सोशल एड वर्ल्ड लिखा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करके क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर में लेके चला जाएगा। वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। डायरेक्ट सर्च करेंगे तो बहुत सारा फर्जी एप्लीकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करके जाएंगे तो आपको ओरिजिनल ऐप पर ही लेके जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करना है हमें। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में नहीं सेट है, इसीलिए सारे ब्राउज़र शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हुए आप क्लिक करते ही आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जहाँ पे नीचे एक्सेप्ट लिखा हुआ होगा। किसी मोबाइल में मांगता है, किसी में नहीं मांगता है, मेरे इस मोबाइल में नहीं मांगा, आपके में मांगेगा, तो नीचे एक्सेप्ट क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका लॉगिन डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। बहुत धीरे धीरे डाउनलोडिंग हो रही है, नेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओपन करने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद आपसे आप मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। ये ऐड खोल के आ गया, इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। यहाँ रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे, ताकि ये बार बार हमसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड ना पूछे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे।
मेन वैलिड क्रिएशन का मैसेज आ रहा है, यहाँ पे हमने नंबर गलत फिल किया है 5 9 7 है सिर्फ। अब फिर से यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और ये हमारी लॉगिन आईडी सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिस पे लिखा है टू व्यू योर एड्स यू हैव टू कंप्लीट 5 टास्क, डोंट वरी इट्स वन टाइम। ये आपको एक बार ही पूरा करना है, सिंपली स्क्रॉल करते ही आपको नीचे जाना है। इसके बाद ये स्टार्ट का बटन आपको दिख रहा होगा, इस स्टार्ट के बटन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सामने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, उसके बाद आपको सिंपली नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पे रेड कलर की तीर आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, इस रेड कलर की तीर के पास ही लाइक लिखा हुआ आएगा, यानी कि इसके फेसबुक पेज को लाइक करना है हमें। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लाइक लिखा हुआ आ गया, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे बोलेगा अपने फेसबुक को लॉगिन करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड जो भी आपने इसमें फिल किया होगा उसे भरकर आप लॉगिन कर लेंगे। मैं इसको लॉगिन करके लाइक कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको लाइक करने का ऑप्शन आएगा, लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद बैक चले जाइएगा। बैक जाके फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, सिंपली आपको नीचे जाना है। यहाँ पे फिर आपको रेड कलर की तीर ब्लिंक करती हुई दिखेगी, यहाँ पे YouTube लिखा हुआ आएगा, इसी YouTube पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। YouTube पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी ईमेल आईडी से YouTube लॉगिन होगा तो लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा, ये सही सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन दबा देना होगा। बैक करके हमें उसी पेज पे आ जाना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको नीचे जाना है और यहाँ नीचे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट ऐप इंस्टॉल, इस पर क्लिक करके आपको इसे ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से बैक इसी पेज पे आ जाना है, बैक आके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको नीचे जाना है, फिर यहाँ पे आपको B2R ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। इस पर भी क्लिक करेंगे आप तो आपको प्ले स्टोर में लेके चला जाएगा, वहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर इसी पेज पर बैक आ जाना है, इसी पेज पर बैक आने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। मैं इस ऐप को भी इंस्टॉल कर चुका है इसलिए मैं दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके पास सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ नीचे आप एक ऐड चल रही होगी जिस पर लिखा होगा प्लीज़ क्लिक ऑन द एड्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, सिंपली आपको इसमें नीचे जाना है
और उसके बाद आपको बैक कर देना है। बैक करके आपको उसी पेज पे जाना है, नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, आपके सामने आएगा। फिर आपको नीचे जाना है, नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑन डील टू विन, रजिस्ट्रेशन ऑन डील टू विन पे क्लिक करना है आपको। रजिस्ट्रेशन ऑन डील टू विन पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको इसमें नीचे जाना है। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन डील टू विन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ भर के टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। मैं इसमें रजिस्टर हूँ पहले से, इसलिए मैं इस पेज को बैक कर दे रहा हूँ। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पेज से बैक होके उसी पेज पे आप आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन ऑन सोशल ट्यूब। रजिस्ट्रेशन ऑन सोशल ट्यूब पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑन सोशल ट्यूब पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर रजिस्टर नाउ करना है। ये भी फॉर्म मैं भर चुका हूँ, इसमें भी मैं साइन इन हूँ, ज्वाइन हो साइन अप कर चुका हूँ इसमें भी, इसलिए मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ। और आप इसमें साइन अप करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप इस पेज से बैक हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिनिश टास्क पे क्लिक कर देना है। फिनिश टास्क पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो नीचे सिंपली आपको नीचे जाना है। नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कंफर्म, आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कंफर्म करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां नीचे आपको एक विंडो खुल के आ रहा होगा पेज, जिसमें लिखा होगा ए पॉपअप इज ब्लॉक, इसमें नीले कलर के बॉक्स में ऑलवेज शो लिखा होगा। तो इस ऑलवेज शो के बटन पर क्लिक करना ज़रूरी है, तभी आपका ऐड शो होगा। तो इस पर ऑलवेज शो पर क्लिक कर देंगे। अब ऊपर की थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और माई एड्स में जाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये हमारा ऐड खुल गया। अब सिंपली इसमें रोज़ हमको इसी में काम करना है, डेली 20 को सीन करना है। एक एक करके 20 ऐड दिए हुए हैं, 20 ऐड दिए हुए हैं, 20 को व्यू लिखा उसे सीन करना है। तो पहले पे क्लिक करेंगे तो दो पेज खुल के आएगा। इस पे सिंपली हमको नीचे जाना है, नीचे जाके हमको बैक कर देना है। बैक करके उसी पेज पे आ जाएंगे, वहाँ पे सीन लिख देगा आपको। फिर दूसरे पे क्लिक करना है, फिर नया पेज खुलेगा। यहाँ पे भी आपको नीचे जाना है, नीचे जाके बैक कर देना है। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे, सारा ऐड देखने के बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी इनकम दिख जाएगी। आज की इनकम आपकी 50 पॉइंट हुई है, यानी कि आधा डॉलर, करीब 30 रुपये। आप ऐड देखेंगे डेली के, डेली के आपके 9 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों, अगर ज्वाइन होने में और टास्क पूरा करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मैं
तो मैं आपको उसका बताऊंगा कि क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।